इस कार्यक्रम की प्रमुख आयोजिका भाजपा की राष्ट्रीय मंत्री संसद सदस्य श्रद्धामना सरोज पांडे जी, छत्तीसगढ़ के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री मित्रवर रमन सिंह जी, आदरणीय नंद कुमार साहिब जी, आदरणीय व्यास जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता लोकप्रिय नेता आदरणीय जुदेव जी, सभी सम्मानीय छत्तीसगढ़ के मंत्रीगण, सभी सांसदगण, पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष मित्र उपेंद्र गुप्ता जी, मीडिया के सभी मित्रगण, देवी और सज्जनों, अभी आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति के कुछ अंश को देखे। उनके नृत्य ऐसे थे कि आपके पैर स्वयं थिरकने लगते थे। छत्तीसगढ़ की यही सादगी है, यही सहजता है, यही स्नेहिलता है, यही प्रेम है जो छत्तीसगढ़ को एक अलग बनाता है। उसमें हिंसा का स्थान नहीं है, उसमें नक्सलवाद का स्थान नहीं है, और ये बात मैंने अपने स्वयं महसूस की। मुझे याद है छत्तीसगढ़ के चुनाव का प्रभारी, छत्तीसगढ़ से मेरे कई रिश्ते हैं, प्रचार करने जाया करता था। फिर रमन सिंह जब केंद्रीय मंत्री थे और मैं केंद्रीय मंत्री था तो हम लोग मित्र हो गए, फिर वहाँ मुख्यमंत्री हो गए, फिर मेरा कुछ कानूनी जुड़ाव हुआ, फिर मैं प्रभारी बन गया, काफ़ी दौरा करने का मौका मिला। एक छत्तीसगढ़ का एक बड़ी सी टिप्पणी है, छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया, इसको मैं सुनता था, और जब मैंने जाकर के देखा वहाँ के लोगों की सादगी, वहाँ के लोगों का विश्वास, मैं कहाँ से अपनी बात शुरू करूँ आपके सामने। नक्सलवादियों ने कहा था कि चुनाव का बहिष्कार करना है, ओपन थ्रेट दिया था, और आप मुझे मालूम है कि उसकी धमकी का आलम यह था कि मैं दांतेवाड़ा में प्रचार करने गया था, बैठक के अंदर दूसरे दिन भाजपा के जिला उपाध्यक्ष जो हमारी मीटिंग को प्रेजाइड कर रहा था उसकी गर्दन काट दी गई, कांग्रेस के भी एक जिला पदाधिकारी को बाद में मार दिया गया। अभी नंद कुमार साहिब जी आपने बहुत भावुक टिप्पणी की, मुझे वो गांव नहीं याद है, मैं दौरे में गया था, कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया कि उस गांव का लड़का एमए पढ़ गया था, एक आदिवासी बच्चा एमए में फर्स्ट क्लास पास किया, ये गांव के लिए बहुत गर्व की बात थी। उस गांव से नक्सलवादी गुजरा करते थे, उसने उनसे सवाल पूछना शुरू किया कि आप ऐसा क्यों करते हैं, हिंसा क्यों करते हैं। एक हफ्ते के बाद उसको मार दिया गया, आज एक पूछता है कल और पूछे। आपने नंद कुमार जी आपने शिक्षा की बात की, मैं कुछ आंकड़ों को देख रहा था कि नक्सलवादी की ओर से बार बार कहते हैं उनके समर्थक कि पुलिस को स्कूल में नहीं रहना चाहिए। Why this question is not asked as to how many schools have been destroyed by the Naxalites? And I would like the national media present here today to know about it. Naxalites have destroyed as much as 107 school in Chhattisgarh. 2010 तक 107 स्कूल को नक्सलवादियों ने बम से उड़ाया, 96 सड़कों को उड़ाया, 69 इलेक्ट्रिक टावर को उड़ाया, रेलवे स्टेशन और रेलवे लाइन मिला के 26, बैंक 19, पंचायत बिल्डिंग 79। अगर आप 107 स्कूलों को उड़ा रहे हैं तो मतलब आप आदिवासी बच्चों को पढ़ने के अवसर से वंचित करने की कोशिश कर रहे हैं। और दिल्ली में कहा जाता है कि रमन सिंह की सरकार क्यों भेजती है पुलिस को स्कूल के बिल्डिंगों में, यह कौन सा तर्क है? एक तरफ बच्चों को मारेंगे, उनके माता पिता सवाल पूछेंगे तो आप तंग करेंगे, स्कूल की बिल्डिंग को ब्लास्ट करेंगे, हॉस्पिटल को ब्लास्ट करेंगे, बैंक को ब्लास्ट करेंगे, और यहां पर यह तर्क दिया जाएगा, ये तो नहीं चलेगा। इसलिए मैं एक दूसरा सवाल उठाना चाहता हूं, और यह बहुत जरूरी है कि इस पर देश में चर्चा हो। विकास होना चाहिए, आदिवासियों को चिंता की जानी चाहिए, उनके स्कूल की व्यवस्था होनी चाहिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था होनी चाहिए, और मुझे मालूम है कि रमन सिंह और उनकी सरकार ने बहुत बड़ा काम किया है। लेकिन अगर सब कुछ ठीक हो जाए, रमन सिंह, शिवराज सिंह जी या उड़ीसा की सरकार या भारत सरकार, भारत के गांव गांव में
सुख और शांति ले जाए ले आए तो क्या नक्सलवाद रुक जाएगा? ये सवाल है। कभी नहीं रुकेगा, क्योंकि उनका उद्देश्य है हिंदुस्तान पर कब्जा करना, भारत के संसदीय लोकतंत्र को उखाड़ फेंकना। दे वॉन्ट टू कैप्चर पोलिटिकल पावर टू द बैरल ऑफ गन, ये उनका उद्देश्य है। इसलिए ये लोग तर्क देते हैं कि ये होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कोई भी सरकार उत्तरदायी है उसको जनता के लिए काम करना पड़ेगा, गरीबों के लिए काम करना पड़ेगा, आदिवासियों के लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन नक्सलवाद का काम क्या रुक सकता है? मैं बात कर रहा था चुनाव की, उन्हें धमकी दिया कि हम धमकी देते हैं कि लोग मत देने नहीं जाए। बहुत धमकी थी, मुझे याद है रमन सिंह, हम लोग सब लोग दौरा किया करते थे, इनकी बहुत लोकप्रिय यात्राएं हुआ करती थी। चुनाव आयोग ने भी हिम्मत करके दिखाई, क्या हुआ रिजल्ट? 70-74% आदिवासी बहुल इलाकों में मतदान हुआ, और कभी यह शिकायत नहीं की गई कि यह मतदान फर्जी हुआ है। चुनाव आयोग से नहीं कहा गया इसकी दोबारा जांच कराया जाए। मैंने दांतेवाड़ा की बात की, यह बस्तर की चर्चा बहुत आती है। नक्सलवादियों के जो बौद्धिक शुभचिंतक हैं वो बस्तर की चर्चा भारत ही नहीं दुनिया में करते हैं। बस्तर में 12 सीटें, बीजेपी 11 जीती, और एक साइड हम, जहां तक मुझे जानकारी मिली है, एक हम इसलिए हार गए कि बीजेपी का कार्यकर्ता शायद जीत रहा था कम वोट से, उसको लगा इतना कम वोट से मैं जीत ही नहीं सकता हूं, दोबारा काउंटिंग कराई गई और उसमें उनकी पराजय हो गई। अंबिकापुर जो दूसरा नक्सलवाद अफेक्टेड इलाका है, यह बहुत गंभीर सवाल है कि जब जनता का समय आया चुनने का तो जनता ने हिम्मत के साथ मत दिया और भाजपा के पक्ष में मत दिया। अभी बस्तर का उपचुनाव हुआ था, हमारे बलराम कश्यप बहुत लोकप्रिय नेता, उनका देहावसान हुआ, उनके एक बेटे को गोली से मारा गया। उपचुनाव में हम 90,000 वोटों से जीते, और आज मैं दिल्ली में एक सवाल उठाना चाहता हूं। विनायक सेन कन्विक्टेड हैं लोअर कोर्ट के द्वारा, उनकी अपील पेंडिंग है, हर को अपील करने का अधिकार। एक कन्विक्टेड विनायक सेन को भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाया, और ये सारे बुद्धिजीवी चिंतक शांत है, खामोश है। हमारे नेताओं की चर्चा आती है अयोध्या के आंदोलन की, आपको मालूम है अडवाणी जी बाकी लोगों को झूठा फंसाया गया, सारे एडेंस हैं, तो उस समय तुरंत बोलेंगे कि मिस्टर अडवाणी इज फेसिंग ट्रायल, और एक कन्विक्टेड व्यक्ति को 20 साल की सजा है, प्लानिंग कमीशन का मेंबर बनाया गया, और ये लोग खामोश रहते हैं। ये पूरी चर्चा जो है ना बेमानी हो गई है। और आज सरोज जी, मैं आपका अभिनंदन करना चाहूंगा कि आज आपने अवसर दिया है कि इस बेमानी चर्चा को सही रास्ते पर लाया जाए। किसका मानवाधिकार होना चाहिए, जरूर होना चाहिए, मानवाधिकार अधिकार सबको मिलना चाहिए, ये लोकतंत्र है। लेकिन जो नक्सलवाद के द्वारा मारे जाते हैं उनका कोई मानवाधिकार है या नहीं है, ये सवाल उठाना पड़ेगा। लगभग 1,000 से अधिक लोग मारे गए, बच्चे मारे गए, उनके मां बाप मारे गए। मैं पुलिस की बात अलग करता हूं एक मिनट के लिए, जो निर्दोष मारे जाते हैं, जो आदिवासी मारे जाते हैं, उनको उनके मानवाधिकार का संरक्षण करने का अधिकार है या नहीं है? जब भी कोई बात होगी तो रमन सिंह के खिलाफ शुरू हो जाएगा, बस मानवाधिकार मानवाधिकार। अभी मैं संसद से इस कार्यक्रम में आने के लिए आ रहा था, उन्होंने मीडिया के लोगों ने घेर लिया, हमारे कई सांसद यहां बैठे हुए हैं, शायद पुराने सांसद कितने होंगे मुझे पता नहीं, रमन सिंह जी 2001 में जरूर थे हमारे साथ एमपी, शायद नंद कुमार साईजी भी होंगे और जुदेव जी होंगे 2001 में। अगर एक आतंकवादी संसद के ऊपर घुस गया होता तो सारी पार्टी के सारे नेता मारे जाते, मेरे सारे एमपी बैठे हुए हैं, कोई ब्लेड का टुकड़ा लेके भी संसद में नहीं जा सकता। और अगर उस वॉच एंड वार्ड स्टाफ ने जो मारा गया वो दरवाजा बंद नहीं किया होता, एक आतंकवादी घुस गया होता तो सारी पार्टी के सारे नेता मारे गए, ये हिंदुस्तान पर हमला था। 5 साल के बाद कन्विक्शन, ये उनका क्षमा प्रार्थना पत्र को रिजेक्ट किया गया, मर्सी पिटिशन को, क्यों देरी हुई? और आज कुछ लोग मुझसे पूछा गया, कुछ लोग उसमें विरोध प्रकट कर रहे हैं, रवि जी क्या कहना है? हमने कहा ऐसे विरोध करने वालों को मेरा जवाब यही है, हिंदुस्तान की सुरक्षा अधिक जरूरी है,
हिंदुस्तान का आईन अधिक जरूरी है। ऐसे लोगों को विरोध करने का अधिकार है, लेकिन जनता उनको तिरस्कार करेगी और करती रहेगी, हमेशा देश ने दिखाया है। आज ये सवाल उठाने इसलिए बहुत जरूरी थे कि इन सवालों पर ईमानदार बहस होनी चाहिए। एक सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, मैं पेशे से वकील भी हूं, सुप्रीम कोर्ट में वकालत करता हूं, वाजपेयी जी की सरकार में देश का कानून मंत्री बीच रहने का अधिकार अवसर मिला, सौभाग्य मिला। ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया एसपीओ पर, ये कौन सा जजमेंट? एक कानून के छात्र के रूप में मैं कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है, ये जजमेंट न्याय और कानून से कम और मार्क्सवादी विचारधारा से अधिक प्रभावित है। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं, आई एम सेइंग विद फुल सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मैंने इसमें बहुत कुछ लिखा भी है। सलवा जुलूम के निर्णय में, एसपीओ के निर्णय में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि हम कुछ मुद्दों पर विचार करेंगे और उस मुद्दों के आधार पर हम निर्णय करेंगे। देश कैसी नीति बनाता है, पूंजीवाद का बोलवाला है। मैं कुछ कोटेशन करना चाहूंगा उनके जजमेंट के। द रूट कॉज ऑफ प्रॉब्लम इज द कल्चर ऑफ अनस्ट्रेन्ड सेल्फलेसनेस ग्रीड पॉन बाय मॉडर्न न्यू लिबरल इकोनॉमिक आइडियोलॉजी द पॉलिसी ऑफ प्राइवेटाइजेशन विच हैज इनकैपेसिटेटेड इटसेल्फ against and ideologically from devoting adequate financial resources in building capacity. घोर वामपंथी विचारकों के विचार को प्रामाणिक मानकर जजमेंट में कोट किया गया है। And I am saying so with full sense of responsibility. This judgment is guided by ideology of Marxism. क्या कर दिया गया? कहे कि SPOs को बच्चे होंगे, उनको आप देंगे तो वो रिवेंज की भावना से काम करेंगे, अतः ये ठीक नहीं है। कमाल है, क्या तर्क है? रिवेंज तो फिर पुलिस वाले को भी नहीं करना चाहिए, जब पुलिस वाले का दोस्त मारा जाता है तो उनके अंदर भी रिवेंज आएगा। आपको मालूम है दफादार चौकीदार इस देश में 150-200 वर्षों से हैं, उनको इलाके की जानकारी होती है, वो पुलिस का सहयोग करते हैं। कश्मीर में पाकिस्तान और कश्मीर की सीमा पर आपको मालूम है लोगों को विलेज प्रोटेक्शन कमेटी बनाई गई है, जिसमें कुछ एक महिला को पुरस्कार भी दिया गया था। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया सबको खत्म करिए, देश की सुरक्षा कैसे होगी? नक्सलवाद देश के लिए कितनी चिंता का विषय है, यह सरकार का काम तय करना है, संसद का काम तय करना है, क्षमा करें न्यायपालिका का नहीं है, यह पॉलिसी डिसीजन है। और यह बात सुप्रीम कोर्ट ने कई निर्णय में कही है और इस निर्णय में इसका कोई उल्लेख नहीं है। हम न्यायपालिका का बहुत सम्मान करते हैं, इस देश में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा काम किया है, उसका अभिनंदन करते हैं भ्रष्टाचार को एक्सपोज करने में, बाकी करने में। लेकिन हम भारत सरकार से अपेक्षा करेंगे कि यह निर्णय देश की सुरक्षा के लिए चिंता पैदा करेगा, इसलिए इस निर्णय का रिव्यू होना चाहिए, यह मैं मांग करना चाहता हूं, मैंने संसद में इस विषय को उठाया था। मित्रों, अंत मुझे इतना ही कहना है, देश की सुरक्षा के लिए खतरे आते रहेंगे, हमें इस देश पर विश्वास करना चाहिए और हमें अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए। जब से हम राजनीति में आए हैं हमने एक ही बात सीखी है, तेरा वैभव अमर रहे मां, हम विचार रहे न रहे। और आज छत्तीसगढ़ की सरकार, हमारे सांसद, हमारे सारे कार्यकर्ता, हमारे विधायक दिशा में काम कर रहे हैं। आज दिल्ली में मैं छत्तीसगढ़ के उन कार्यकर्ताओं को याद करना चाहूंगा जिन्होंने अपने जीवन का होम किया, चाहे वो गांव में हो या शहर में हो, आदिवासी हो या गैर आदिवासी, लेकिन कभी नक्सलवाद के आगे झुके नहीं। आज उनका सम्मान करने की जरूरत है। और मैं अपने मीडिया के लोगों से एक विनम्रता से आग्रह करना चाहूंगा, इस देश में इस बहस को आगे बढ़ाने की जरूरत है कि क्या मानवाधिकार, बौद्धिक प्रतिभा, लोकतंत्र सिर्फ उनके लिए है जो आतंकवाद या नक्सलवाद करते हैं, या उनके लिए भी है जो उनके आतंकवाद और नक्सलवाद के भुक्तभोगी हैं जो मारे जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।